कक्षा 9 के सभी विद्यार्थियों, आज मैं आपको सामाजिक विज्ञान का सेट सी समझाऊंगा, पूरा सॉल्यूशन देने वाला हूं। निम्नलिखित में से कौन सी लवणीय जल वाली झील है? सांभर। अरब सागर में गिरने वाली नदी है तो नर्मदा नदी है। रूस की क्रांति कब हुई थी? 1917 में। रूस में सामूहिकरण कार्यक्रम प्रारंभ किया गया, स्टालिन। 2015 तक किस देश की औरतों को वोट डालने का अधिकार नहीं था? सऊदी अरब। छिपी हुई बेरोजगारी कहाँ पाई जाती है? तो कृषि के क्षेत्र में पाई जाती है। भारत जो है विश्व का सबसे बड़ा देश है तो सातवां। भारत की वर्षा का वार्षिक औसत 105 मीटर सेंटीमीटर है, यहां से देख सकते हैं। बढ़िया से कंप्लीट करो। गुप्तचर पुलिस का जाएगा चेका, ठीक है। क्या है इसका पहले का मिलान? आपको चेका से करना है। दूसरा जो है इसका 2000 आ जाएगा ग्रामीण योजना का। प्रथम पूर्ण जनगणना इसका जाएगा 1881। चौथे का जाएगा आपका ब्राजील। पांचवा जो है अग्नि अध्यादेश 28 फरवरी 1933। अधिक उपज देने वाले बीज HYV। चलिए अब ये भारत की सबसे लंबी नदी गंगा दक्षिण दोलन से जुड़ा हुआ एक लक्षण है, क्या है? एलनीन। की जनगणना के अनुसार लिंग अनुपात कितना है? 1000 पुरुष से 940 महिलाएं। चिली में किस प्रकार का शासन प्रणाली है? चिली जो है उसमें आपका लोकतांत्रिक शासन प्रणाली, यंग इंडियाना पत्रिका के संपादन किसने किया? चिली में किस प्रकार के शासन? तानाशाही, सॉरी यहां पर तानाशाही आएगा ना। और यंग इंडिया पत्रिका का संपादन किसने किया? महात्मा गांधी ने। अगस्त 2002 में किस ऑर्डर पर पाकिस्तान का संविधान बदल डाला? लीगल फ्रेंक वर्क ऑर्डर। अब है आपका सत्य असत्य। पहला जो है आपका असत्य रहेगा, दूसरा जो है आपका सत्य रहने वाला है, तीसरा आपका असत्य रहेगा, चौथा जो है वो सत्य रहेगा, पांचवा असत्य रहेगा और छठा जो है आपका बिल्कुल सत्य रहने वाला है। यहां से आप देख सकते हैं ना। क्वेश्चन नंबर जो 6 है, ये भारत को एक उपमहाद्वीप क्यों कहा जाता है? मौसम से क्या से सम जलवायु किसे कहते हैं? प्राकृतिक वनस्पति से क्या तात्पर्य? वन किसे कहते हैं? सदाबहार वन और पर्णपाती वन में अंतर। वन पर्यावरण के महत्वपूर्ण अंग है, स्पष्ट कीजिए। फ्रांसीसी समाज में महिलाओं का जीवन कैसा था? फ्रांस में 14 जुलाई का क्या महत्व है? ये सारे जो क्वेश्चन, इन क्वेश्चनों का सॉल्यूशन मैं आपको अगले वीडियो में प्रोवाइड कराऊंगा। आपको क्या करना है? अच्छी मेहनत करना है। जो चीजें आपको बताई जा रही ना, आप तो केवल उनपे अच्छे से मेहनत करो, ठीक है। यहाँ पर देखिए, निरंकुश राजशाही से आपके समय थे, प्रथम विश्व युद्ध का रूस की क्रांति पर क्या प्रभाव पड़ा? यदि हम क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ठीक है, तो 80 के दशक में वानिकी में आए बदलावों का वर्णन कीजिए। हिटलर की आर्थिक नीति क्या थी? अच्छे से तैयारी करेगा, अच्छी मेहनत करेगा ना, परिणाम उसका रंग लाएगा, ठीक है। तो संविधान का क्या महत्व है? स्पष्ट कीजिए, सारा सॉल्यूशन आपको मिलेगा, है ना। स्पष्ट कीजिए, रंग भेद से क्या अभिप्राय, इसके क्या परिणाम थे? पालापुर में बिजली के प्रसार ने किसानों को किस तरह मदद की?
मानव पूंजी निर्माण में शिक्षा का क्या भूमिका है? प्राथमिक क्षेत्र से आप क्या समझते हैं? हिटलर की विदेश नीति की विवेचना कीजिए। भारतीय निर्वाचन प्रक्रिया को लिखिए। ठीक है, जब चारागाह सूख जाते हैं तो चारावाहों के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? भारतीय राष्ट्रपति की कार्यपालिका शक्ति लिखिए। लोकसभा की किन्हीं 5 शक्तियों का वर्णन आपको करना है?